हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं सबसे पहले तो आपसे ये माफ़ी मांगूंगा कि मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाई, करीब 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। उसका कारण एक्चुअली ये था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी ज़रूरी काम के कारण, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन मेरी अभी ज़रूर पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हफ्ते में करीब करीब 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आज चलिए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसी कौन सी 5 हैचबैक गाड़ियां हैं जो कि 2.5 लाख के अंदर आपको मिल जाएगी अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए सब्सक्राइब बटन पर, और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया गया उसको फटाफट प्रेस करके उसको ऑन कर लीजिए। जो भी आने वाली वीडियोज़ है उससे वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो ऐसी कौन सी 5 गाड़ियां हैं जो आपके बजट को और आपके परिवार को, आपके मेंटेनेंस को सूट करेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। मेरी लिस्ट में सबसे पहले जो गाड़ी आती है वो है मारुति की एल्टो 800। जी हाँ दोस्तों, एल्टो 800 2015 से 2016 का मॉडल आपको आराम से 2.25 से 2.5 लाख के बीच में मिल जाएगा। 800 cc की ये गाड़ी 3 सिलेंडर गाड़ी है। के सीरीज इंजन इसमें आता है, ऑल एल्यूमिनियम इंजन आता है। माइलेज इसका आराम से आपको ये 20+ का ईजिली आपको निकाल के दे देगी। सबसे बड़ी खास बात इसकी है कि एकदम लो मेंटेनेंस गाड़ी है, कोई भारी इस पर खर्चा नहीं है। आप आराम से इस गाड़ी को अपने बजट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाइए, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है, दिखने में जरूर छोटी है लेकिन अंदर स्पेस परफेक्ट है। बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है, आप इस गाड़ी को आराम से 2.25 से 2.5 में आपको ये गाड़ी अच्छी कंडीशन में आराम से मिल जाएगी। मारुति सुजुकी एल्टो 800, इसमें 2-3 वेरियंट आते हैं, LXi और VXi। आप LXi VXi में कोई भी गाड़ी परचेस कर सकते हैं। LXi और में भी आपको पावर स्टीयरिंग और आगे की 2 पावर विंडो मिल जाएगी और AC मिल ही जाएगा, तो आप इस गाड़ी को आराम से परचेस कर सकते हैं। दूसरी गाड़ी हमारी लिस्ट में आती है वो है मारुति की एल्टो की K10। एल्टो K10 भी बहुत ही सक्सेसफुल गाड़ी रही है, इसने भी हमेशा लोगों के दिलों में हमेशा राज किया है। भले ही गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई हो लेकिन आज भी इसके मार्केट में बहुत बहुत डिमांड है। आपको करीब करीब 2015-16 मॉडल ईजीली 2.5 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा। बहुत अच्छी कंडीशन गाड़ी आपको मिल जाएगी इस बजट में। अगर आपका बजट 2.5 लाख तक है तो आपको बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये गाड़ी, बता दूँ आपको। इसका भी जो मेंटेनेंस है बहुत कम है, 1000 cc का इंजन है, 3 सिलेंडर गाड़ी आती है ये भी। इसका भी के सीरीज इंजन है। मारुति अभी जितनी भी गाड़ियाँ बनाती है सब के सीरीज, मोस्टली के सीरीज इंजन बनाती है, सिर्फ नेक्सा की गाड़ी को छोड़कर। तो आप ये गाड़ी आराम से परचेस कर सकते हैं। इसका भी जो माइलेज है ये 20+ के आसपास एवरेज निकाल देगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी है, आप आराम से इस गाड़ी को कहीं भी लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्पेस एल्टो से थोड़ा और अच्छा मिल जाता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेशियस कार है, आप इसको आराम से लेकर चला सकते हैं। नंबर 3 जो गाड़ी आती है वो आती है हुंडई की ईऑन। बिल्कुल हुंडई की जो ईऑन है ये भी डिसकंटिन्यू वैसे कर दी गई है, लेकिन आज भी मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। जितनी छोटी है दिखती है उतनी खूबसूरत होने के साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेशियस है। जी हाँ, ये गाड़ी भी आपको आराम से 20+ का, 18 से 20 का आपके आसपास का एवरेज निकाल के दे देगी। ये गाड़ी भी आपको 2016 या 2015 मॉडल आपको आराम से 2.25-2 लाख के आसपास आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। बस आपको मार्केट में सर्च करनी है एक अच्छी गाड़ी। इसके बाद चौथे नंबर गाड़ी आती है हमारी नज़र में, वो है वैगनार। वैगनार भी आपको 14-15 मॉडल ईजिली 2.25 और 2.25 लाख के बीच में ईजिली मिल जाएगा। 1000 cc का इंजन आता है, 3 सिलेंडर गाड़ी है, के सीरीज इंजन है। इसका भी एवरेज पेट्रोल में करीब करीब आपको 20+ के आसपास एवरेज आराम से मिल जाएगा। बस चलाने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे ड्राइव करते हैं और गाड़ी को कैसे मेंटेन रखते हैं। टाइम से टाइम आप गाड़ी की सर्विस कराइए, गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। बस कोशिश ये करिए कि गाड़ी को रफ ना चलाएं, ये गाड़ी आराम से आपको ईजिली एवरेज 20+ का निकाल के दे देगी। बहुत ही कंफर्टेबल और स्पेशियस कार है ये गाड़ी, अभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। हाँ, मॉडल ज़रूर इसका थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, बस दैट्स इट। लेकिन इसकी रीसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। लास्ट गाड़ी, पांचवी गाड़ी जो है लास्ट गाड़ी हमारी नज़र में, वो आती है हुंडई की i10। i10 भी वैसे तो डिसकंटिन्यू कर दी गई, मॉडल चेंज कर दिया गया है। मैं पुरानी 12, 13, 14 मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो पहले हुंडई i10 आती थी। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूँ। ये मॉडल भी आपको 12-13 मॉडल ईजिली आपको मैगना, इसमें एक्चुअली 4 मॉडल आते हैं, एरा आता है, मैगना आता है और स्पोर्ट्स मॉडल आता है और एक आस्था मॉडल आता है। मैगना मॉडल और एरा मॉडल आपको अच्छी कंडीशन, वेल कंडीशन की गाड़ी ईजिली आपको 2.25 और 2.5 के बीच में आराम से मिल जाएगी। इसका भी जो एवरेज है वो करीब करीब 17 या 18 के आसपास आता है। बाकी हाईवे पे ये गाड़ी आपको 19 या 20 के आसपास आराम से गाड़ी एवरेज निकाल के दे देगी पेट्रोल पे। अगर आपको CNG गाड़ी लगी हुई मिल जाए तो कंडीशन देखकर आप गाड़ी को आराम से परचेस कर लीजिए। बहुत ही स्पेशियस कार है, बहुत ही कंफर्टेबल कार है।
कुछ ये पांच गाड़ी जो मैंने बताई है आपके 2.5 लाख के अंदर आप आराम से परचेस कर लीजिए। हर मिडिल क्लास फैमिलीज के हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट सूट करेगी। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इनका एवरेज तो अच्छा है, साथ में इनका मेंटेनेंस बिल्कुल नई के बराबर, एक मोटरसाइकिल के बराबर इनका मेंटेनेंस है। जिस बजट में आप आज मोटरसाइकिल भी आप देखते हैं, अगर आपके घर में 4 से 5 जने, अगर आपको कहीं जाना है, अगर बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो आपको बसों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार हिम्मत करके गाड़ी ले लीजिए और आपके आगे तक की छुट्टी हो जाएगी। बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस गाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों ये वो ये वीडियो मैंने आपको स्पेशली बनाई थी 2.5 लाख के अंदर जो गाड़ियाँ थी, 5 गाड़ियाँ। ये वीडियो आपको कैसे लगी? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी नई नई जानकारी देता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। वापस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।